लाची रक्त का प्यासा था। हम लोग यहाँ पर एक मूवी देखने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जब बच्चे छोटे रहते तब आप कुछ भी फ्रीली नहीं कर सकते, बट जोरो ये फाइटिंग सीन देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो बिल्कुल लैपटॉप के सामने चला गया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे गांव के घर, और आज का जो पूरा ब्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ब्लॉग पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मम्मी ऑलरेडी स्कूल से मेरे गाँव के घर पहुँच गई है। हम ये जोरो का फर्स्ट ट्रिप है हमारे गांव के घर के लिए। जोरो पहले कभी नहीं गया था, तो इसीलिए ही हमने इस टाइम प्लान किया था कि जोरो को हमें लेकर जाना था। सो लेट्स सी। मां तो ठोके जा छ जामा के तो है ना। हमारे गांव के घर जाने के लिए जिस रोड से जाते हैं वो रोड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छे रोड है, तो इस रोड पर ड्राइविंग का एक अलग ही मज़ा है। आई वॉज़ रियली फीलिंग वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। इससे पहले मैं अपने पापा के साथ इसी रोड पर जाया करती थी अपने मम्मी के साथ, एंड नाउ वी हैव रियली ग्रोन अप। हम लोग गांव पहुंच गए हैं, अभी 2 मिनट में हमारा जो घर है वो भी आ जाएगा। सो फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, और ये मेरा शादी के बाद पहला है, इसका भी पहला फर्स्ट टाइम है, और जोरो का भी और दीदी का भी शादी के बाद पहली बार है। सो और पापा भी हैं हमारे साथ। फाइनली पहुंच गए हैं हमारे गांव के घर में। ये सालों पुराना एक घर है जो पूरा मिट्टी से बनाया गया है। ये एक्चुअली सेकेंड फ्लोर तक है, मतलब जो 3 तला का जो बिल्डिंग है वो एक्चुअली नीचे दब गया है। अक्सर ऐसे मिट्टी के घरों में होता है, सालों बाद ऐसे जो ऊपर का फ्लोर है वो नीचे दब जाता है, तो वैसा ही हुआ है यहाँ पर। ये मेरे दादाजी का रूम था, उनका इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। अभी हमें आना इसीलिए इतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी है इन रूम्स से, इस घर से। जब भी हम लोग आया करते थे दादाजी इस चेयर पर इस रूम में बैठे रहते थे, एंड अभी बिल्कुल खाली लगता है। মাটির বাড়ি নেমে যাই যা, এই যে এগুলো সব বসে গেছে, ওই দিক থেকে তো যাওয়াই যাচ্ছে না। আগে আমরা ওই ঘরটাতে থাকতাম। এই যে 3 তলার মই, আর জীবন আমরা দেখছি এই মইটা এখানে। जो रूफ है ना वो काफी नीचे आ गया है, तो वही हम सब लोग बातें कर रहे थे। और ये जो रूम्स है ना ये अभी कैसा लग रहा है, बट इन्हीं रूम्स में हम कभी आकर रहते भी थे। अरे
এইখানে যে এই দরজাটা ছিল না, এই দরজাটা খুলে যেত। एंड ये यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाते हुए इस ग्रास हॉपर को ये पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जो पूरा इलाका है ये सब हमारा ही है, और ये सामने जो है ये है जिसे ग्वाल घर बोलते हैं, मतलब जहाँ पर काउस रहते थे, तो ये भी हमारा ही है। और ये मेरे एक चाचा जी का घर है, तो वहाँ गए थे, वहाँ इतना सब कुछ हमें खाने को दिया था, सब थोड़ा थोड़ा करके हम सब ने खाया। और एक्चुअली हमारे जो गांव का मेन पोर्शन है वहाँ पर हम सब का घर है, और मेरे दादाजी के सात भाई थे, तो सभी साइड बाय साइड सभी के घर है, एंड सभी अभी रहते भी हैं। बहुत लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं तो काफ़ी घर खाली भी है, तो एक एक करके हम सबके घर में जा रहे थे और उनसे मिल रहे थे। काफ़ी लोग नहीं भी थे अपने घर पे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही शूट किया है क्योंकि मैं बातें कर रही थी सबसे। और ये है पोस्तों का हलवा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो अभी ऑलमोस्ट हमने सारे घरों पर मिल लिए हैं, और सभी ने बहुत कुछ खाने को भी दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पर थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने खाया। अभी अजान हो रही है मगरिब का, तो उसके बाद नमाज के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी निकलना ठीक नहीं रहेगा। सो इसीलिए हम लोग हमारे घर पे वेट कर रहे हैं, और जैसे ही नमाज हो जाए उसके बाद हम लोग निकलेंगे। इट वॉज़ अ वेरी गुड डे, और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यहाँ पे आके। अब आ गए हैं हम मेरे खुद के जो बड़े चाचा है उनके घर में। उनका जो बेटा है वो यूएसए में रहता है, तो घर में सिर्फ चाचा चाची ही रहते हैं। चाचा चाची मेरे वेडिंग फंक्शंस में आए थे, तो वेडिंग व्लॉग्स आर कमिंग वेरी सून। जो भी मेहंदी हल्दी सेरेमोनी से सबके व्लॉग्स काफी जल्दी आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो अभी हम लोग मेरे जो बड़े चाचा है और बड़ी चाची माँ है उनके घर में है, गप्पे कर रहे हैं मम्मी पापा सब लोग मिलकर। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी जोरो जो है वो सो गया है बेड पे, तो उसे सोने देते हैं। आपको अगर लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे परेशान करती हूँ, तो देखिए कितना ज़्यादा वो मुझे परेशान करता है हमेशा। तो उसे सोने देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और हम लोग आज फिर से ढाबा जाएंगे, यहाँ का फेमस ढाबा, तो उसका भी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बारिश भी नहीं हुई और सब कुछ ठीक ठाक ही है। जोरो अपनी नीनी पूरी करते हुए इधर बिस्तर पे, और ये जो शिम्पांजी है ना, ये मैंने उसे गिफ्ट किया था और ये उसका फेवरेट है, इसके बॉडीगार्ड जैसा है ये, हमेशा इसे अपने पास रखेगा। हमारे गांव के घर के पास में ही है द फेमस पप्पूदा ढाबा, तो अगर आप यहां पर गए हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। सो अभी हम लोग पप्पूदा ढाबे पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे। ढाबे में जाकर चारपाई में बैठकर खाना एंजॉय करने का मज़ा ही अलग है, तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं चारपाई में बैठकर ही खाना एंजॉय करते हैं। और आज हमने मंगाए थे तंदूरी रोटी, नॉर्मल रोटी, वेज तड़का और उसके साथ एग तड़का एंड ठंडी ठंडी लस्सी। ये क्लिप्स रमज़ान के बहुत पहले की है, सो प्लीज़ डोंट स्टार्ट जजिंग। एंड में गर्मा गर्म स्पेशल ढाबे वाली चाय तो बनता ही है, तो हमने एंड में चाय पी। मम्मी चाय नहीं पीती इसलिए मम्मी ने चाय नहीं पिया था। मम्मा
Hey guys, so we are back home और अभी बस शाम ही हुई है और हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुंच भी गए, तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी, मुझे कुछ YouTube का एडिटिंग का काम करना है तो वो सब मैं करूंगी एंड उसके बाद मैं सो जाऊंगी. सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस व्लॉग. अगर इसी तरीके का व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये व्लॉग पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आज के व्लॉग का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर मुझे बताएगा. और आज हमने खूब सारी मस्ती की, बहुत ज्यादा एंजॉय किया. दीदी अभी कुछ ही दिन है इधर, तो इसीलिए आई एम जस्ट कैप्चरिंग ऑल द मोमेंट्स दैट इज पॉसिबल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय.